अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद अमान। आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ख़ास। हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ में या केबीके में मुख्तलिफ इलाकों में देहातों में जो तंदूरी रोटी बनती है, तंदूरी नान बनती है, वो मेरी तो बहुत ही पसंदीदा हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। तो आए देखते हैं कि कैसे बनते हैं और फिर खा के भी देखते हैं। चले हमारे साथ। अच्छा, इसमें हम ये लेंगे तकरीबन, हमने लिया है 3 कप आटा। ये हमने ले लिए 3 कप। 3 कप में हमने जो है आधा चाय का चम्मच जो है ये ईस्ट डाला, ईस्ट, और ये एक चुटकी जो है ना हमने इसमें जो आटे का सोडा होता है वो डाला है, और नमक हसबे ज़रूरत या हसबे जायका। इसको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसलिए कि इसको आपने गूंदना सख्त है, नरम आपने नहीं भूनना। अच्छा जी, ये हमारा जो है आटा हमने गूंद लिया है। ये हमने सिर्फ आपको जो है दिखाने के लिए कम गुना, इसलिए हमारे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगली मतलब ये कि अब नेक्स्ट स्टेप में जो आप देखेंगे वो हमारा जो एक्चुअल जितना हमने क्वांटिटी होती है उसके लिए हम करेंगे। ये सिर्फ आपको मेजरमेंट्स बताने के लिए। इसको अभी हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। खमीर हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, और इसका यही है कि ये काफ़ी जो है ना मतलब ये कि एक तरह से सही उबल रहा है। इसमें हमने यीस्ट भी डाला था, इसमें हमने सोडा भी डाला था जिस तरह आपने देखा था। तो ये हमने तकरीबन कोई 2-3 घंटे इसको रेस्ट दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, खुश आटा इधर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा इधर डालेंगे, इधर से हम लेंगे ये पेड़े बनाएंगे। अब इसके हम इसके पेड़े हमारे थोड़े से बड़े बनते हैं, और इसका अगर आपने ये देखा हो तो इसका ये आटा भी ज़रा सख्त बनता है। ये हमने इस तरह गोल गोल का पेड़ बनाया, लेकिन इसमें कोई इस तरह इसमें दरार नहीं आनी चाहिए। ये हमारा पेड़ा बन गया एक, ठीक है। दूसरा हमने जो है ना फिर इसको लेना है, मेरी इसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको पहले ही बताया था मैं सीख रहा हूँ सारा, तो उस वजह से इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कोशिश में कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो अल्लाह के फजल से सही बनेगा। ये हमारा दूसरा जो है ना पेड़ा बन गया। ये हमारे पेड़े बन गए हैं। अब इसको हमने तकरीबन कोई 10 मिनट तक रेस्ट फर्दर देना है, इसके बाद हम इसको तंदूर पे लगाएंगे। तंदूरी नान हम इस गैस के तंदूर में ही बनाएंगे। तो पहले जो है हम इसको गर्म करने के लिए जो है ना इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी हम तकरीबन 1/2 घंटे के लिए जो है ना डांप के रखेंगे, ताकि ये तंदूर जो है हमारा ये गरम हो जाए। ये पेड़े हमारे तैयार हैं। अभी हमने इसको चपाती मतलब रोटी नान के लिए बेलना है। बेलने से भी कर सकते हैं आप, मैं हाथ से कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली इसको बड़ी रोटियाँ बनाते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि इसका जो पेड़ है वो छोटा है, तो इस वजह से हम छोटी रोटियाँ बना रहे हैं। अपना ही पेड़ बनाया है तो ये हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर पानी लगा दिया, ये हटा दिया है, और ये और इसके बाद हमने ये इसको वापस नीचे से हमने जो आउटर लेयर है उसकी गैस थोड़ी हमने कम कर दी ताकि जल न जाए।
हमने इसको लगा दिए तंदूर पे और फिर इसको हमने वही पैटर्न, इसको भी ज्यादा दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना वरना तो ये पतली हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर वो चपाती की शक्ल तैयार कर लेती है। ये फिर हमने ये लगा दिए, अभी जगह ख़त्म हो गई है, चारों तरफ हमने रोटियां लगा ली हैं, थोड़े इसको पकने का वेट करेंगे फिर उसके बाद फर्दर लेंगे। ये सबसे लास्ट में लगाई है, इसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें लगाई हैं। काफ़ी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो सलाम तमाम घर की औरतों को जो हमारे लिए दिन रात ये सारा काम करती है। मतलब ये कि अभी तकरीबन पक गई हैं और ये चेक करते हैं इसको। हाँ जी, जी इसमें देखिए ये रोटी हमारी पक गई है। तो अब इसको हमने ये जी हमारी पहली कामयाबी, हमारी तंदूरी नान तैयार है। बाकी में अभी टाइम है तो उसको अभी हम छोड़ेंगे। ये हमारी रोटियां सारी हो गई तैयार। इसमें देखें कितनी ये, ओह अभी तो बहुत गर्म है, इंतहाई नरम और इंतहाई बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मुझे तो, मेरी तो बहुत फेवरेट है, आपको भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह।